إياك نعبد وإياك نستعين. अच्छा स्वामी, पहले मुझे हाथ खड़ा करके आपने बताना है किधर तक मेरी आवाज जा रही है, किधर तक आवाज जा रही है? पीछे आवाज जा रही है? पीछे? स्वामी, इस्लामाबाद के आप करीब हो और मैंने जब आपको कॉल देनी है, जब मैं आपको कॉल दूंगा, मैं अपने स्वामी के बशऊर और दलेर नौजवानों को, मैं सबको इस्लामाबाद में मिलना चाहता हूं। तैयार हो? हाथ खड़े करके मुझे बताओ कि इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे। हाथ खड़ा करके बताओ। और जो भी नहीं आ सकता इस्लामाबाद, वो स्वाभी में निकलेगा और बताएगा कि गुलामी नामंजूर, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर। स्वाभी के नौजवानों, मैं सिर्फ आपको अपने मां बाप के दौर का बताना चाहता हूं। मैं आजाद पाकिस्तान में पैदा हुआ था, मेरे मां बाप गुलाम हिंदुस्तान में पैदा हुए थे, और जब हिंदुस्तान की हम गुलामी कर रहे थे तो दो दफा, जब बरतानिया ने दो जंगों के अंदर शिरकत की, पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम, तो स्वाभी के नौजवानों ये याद रखो, लाखों लोगों ने यहां से लड़े और अंग्रेज के लिए कुर्बानियां दी। लाखों लोग हिंदुस्तान से जाके अंग्रेज की जंगों में लड़े, लेकिन कभी उनको किसी ने नहीं पूछा, ना कभी इनका शुक्रिया अदा किया गया। अरबों रुपया जो यहां से इकट्ठा करके अंग्रेजों की जंग में लगा, किसी ने नहीं परवाह की, किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, क्योंकि हिंदुस्तान गुलाम था, गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जब अमेरिका की जंग हुई 9/11 के बाद, और पाकिस्तान ने अमेरिका की जंग में शिरकत की, तो सबको आपको पता है कितने पख्तूनख्वा से लोगों ने कुर्बानियां दी अंग्रेज की जंग में, अमेरिकनों की जंग में। 80,000 पाकिस्तानियों ने कुर्बानियां दी, और यहां कबायली इलाके के लोग जो सारे पख्तूनख्वा के साथ अब पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुके हैं, कबायली इलाके के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानी दी। 35 लाख लोगों ने नकल मकानी की, लेकिन क्या किसी ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया? क्या अमेरिका ने कहा कि शुक्रिया पाकिस्तान, आपने 80,000 अपने लोग कुर्बान कर दिए, हमारी फौज 3 गुना ज्यादा हमारी फौजियों ने कुर्बानी दी बनिस्बत जो अमेरिकन अफगानिस्तान में जिनकी जाने गई, किसी ने शुक्रिया अदा नहीं किया, बल्कि कई वहां से आवाजें उठी अमेरिका से के पाकिस्तान की वजह से वो जंग नहीं जीत सके अफगानिस्तान में। तो पाकिस्तानियों, मेरे गयूर बाशऊर स्वाभी के नौजवानों, मेरे पाकिस्तानियों, ये याद रख लो कि गुलामों की कोई इज्जत नहीं होती। इसलिए ये जो इंपोर्टेड हुकूमत,
अमरीकी साजिश के तहत बाहर की साजिश और अंदर की साजिश ने मिलके जो ये हुकूमत हमारे पे मुलव्वस की है, मेरी कौम आप तैयार हो जाओ, हमने किसी सूरत अमरीकों के गुलामों को, चोरों और डाकुओं को हमने किसी सूरत तस्लीम नहीं करना। इसलिए आप सबने स्वाभी पास है इस्लामाबाद से, आप सबने आना है और मेरे साथ शिरकत करनी है। और हमने इस इंपोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना है और जिन्होंने मुसल्लत किया है ये हुकूमत कि ये एक आजाद कौम है, हम वो लोग हैं, हम वो लोग हैं जो कि दुनिया के सबसे अजीम लीडर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं। और स्वाभी जब पाकिस्तान बन रहा था, पाकिस्तान का नारा क्या था? नारा यह था कि पाकिस्तान का मतलब क्या। स्वाभी ये दोनों जरदारी और शरीफ 10 साल जब इन्होंने हुकूमत की 2008 और 18 के दरमियान, और ठीक कह रहे हो, शुक्रिया याद कराने का, डीजल इनके साथ फिट हुआ हुआ था। इन 3 स्टूडेंट्स ने 10 साल जब हुकूमत की मिलके, तो नौजवानों 400 ड्रोन अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर, 400। और कबायली इलाके में आप जानते हैं कि ड्रोन अटैक क्या होता है, आपको पता है क्या होता है? 4000 मील दूर बैठ के एक कमरे के अंदर कंप्यूटर गेम खेली जाती है बटन दबा के, 4000 अमेरिका मील, 4000 मील दूर अमेरिका में एक आदमी बैठा होता है, सामने कंप्यूटर स्क्रीन होती है उसके, यहां से उसको पैगाम जाता है कि जी इस एरिया में दहशतगर्द है, 4000 मील दूर बैठ के वो बटन दबाता है, बम गिरता है, नीचे कौन मरता है कभी किसी को पता नहीं चला। लेकिन लेकिन सुनो जरा मेरी बात, वहां औरतें बच्चे मरे, बुजुर्ग मरे। एक जगह इन्होंने ड्रोन अटैक किया पचोड़ में, 64 बच्चे मदरसे में मर गए, 64 बच्चे। एक जगह वजीरिस्तान में ड्रोन अटैक होता है, 7 लोग मर जाते हैं, जो जख्मी होते हैं उनकी चीखों की आवाजें, लोग आते हैं उनको बचाने के लिए। दूसरा ड्रोन अटैक होता है, 7 और लोग मर जाते हैं। सुबह तक लोग डरते हैं जाते हुए करीब, जो जख्मी है उनकी आवाजें आ रही होती हैं, सुबह को लोग बचाने जाते हैं, फिर ड्रोन अटैक होता है, 7 और मर जाते हैं, 21 लोग मरते हैं। शादियों पर ड्रोन अटैक, जनाजों पर ड्रोन अटैक। और आप जानते हैं कि एक दफा ना जरदारी के मुंह से एक आवाज निकली और ये गीदर नवाज शरीफ के मुंह से एक दफा अमरीकनों को उसने कहा, इनमें इतनी जरूरत नहीं थी कि अमरीकनों को कहते कि ये सारे इंसानी हकूक के खिलाफ है, दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप फैसला करें मुजरिम कौन है, आप ही उसको कत्ल कर दें। जज, जूरी, एग्जीक्यूशनर, दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता। लेकिन इस मुल्क पे जिनके लिए हम जंग लड़ रहे थे, 400 ड्रोन अटैक हुए,
एक दफा इन दोनों ने जुर्रत नहीं की अमेरिका को कहने के लिए कि क्या आप अपने मुल्क में दहशतगर्द के ऊपर ड्रोन अटैक करेंगे, जुर्रत ही इनमें क्या इनमें यह जुर्रत ही बरतानिया को कहने के लिए कि लंदन में हमारा बड़ा दहशतगर्द जिसने हजारों लोगों को कत्ल करवाया, क्या हमें इजाजत देंगे ड्रोन अटैक करके उसको मारे? तो अगर अपने मुल्क में आप हमें कहते हैं कि अदालत में जाकर साबित करो वो दहशतगर्द है, तो हमारे मुल्क में आपने कैसे कैसे आपने 400 ड्रोन अटैक किए, बेकसूर लोगों को मारा, औरतें बच्चों को मारा, और ये तो जिनको फिर से इन दो खानदानों को फिर से जो मुसल्लत किया है इसीलिए किया है कि ये उनके गुलाम हैं, इनमें जुर्रत नहीं है, ये पैसे की पूजा करने वाले हैं, ये पैसे के बुत की पूजा करने वाले हैं, इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके लंदन में अमरीका में पैसे पड़े हुए हैं, ये कभी अपने लोगों के हकूक के लिए उनके फायदे के लिए ये कभी अपनी जबान उनके अपने आकाओं के सामने जबान नहीं खोलेंगे, इसलिए इनको लेके आए हैं, इसलिए इनको पाकिस्तान पर मुसल्लत किया, क्योंकि इनको पता था कि इमरान खान ना इनको बेच देगा, ना यहां से उनकी किसी जंग में शिरकत करेगा, ना वो अपने मुल्क के मफादात को उनके लिए कुर्बान करेगा, अपने लोगों के फैसले करेगा, क्योंकि इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है। इसलिए नौजवानों ये साजिश की गई, और इसलिए आपने इस्लामाबाद पहुंचना है, और मैं मगरिब हो रही है यहीं आपने नमाज पढ़नी है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी बात करता हूं। दूसरी बात नौजवानों, दूसरी बात ये जो लोगों को ऊपर आपके मुसल्लत किया, ये 30 साल से ये दो खानदान भुट्टो और शरीफों के खानदान 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, इनकी वजह से आज शहबाज शरीफ कहते हैं जी हम तो बेकार ही हैं, इसलिए गुलाम हैं। और इनका एक और वजीर कहता है हम तो वेंटिलेटर पे हैं, हम तो अमेरिका की गुलामी करने पे मजबूर हैं। मेरे पाकिस्तानियों, ये आपके सामने ये वो लोग हैं जो दो बुतों की पूजा करते हैं, एक है बुत पैसे का और दूसरा बुत खौफ का, और यही मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में आके इन्हीं बुतों को तोड़ा था, खौफ के बुत को तोड़ा था, आजाद किया था, ला इला इल्लल्लाह का मतलब हमें सिखाया था कि हम सिवाय अल्लाह के किसी के सामने नहीं झुकते। तो मेरे पाकिस्तानियों, हमारा जो नजरियाती लीडर इलामा इकबाल थे, उन्होंने तब ही कह दिया था कि हमने इकबाल का शाहीन बनना है, हमने वो लोग बनने हैं जिन्होंने दुनिया की इमामत करनी है। अल्लाह ने इंसान के हाथ में यह चीज छोड़ दी है कि वो या परवाज कर सकता है और वो या जमीन के ऊपर रींग सकता है। अल्लाह ने कुरान में कहा है कि इंसान जब ऊपर जाता है तो फरिश्तों से ऊपर चला जाता है, और जब वो नीचे गिरता है तो जानवरों से नीचे चला जाता है। ये जो ऊपर बैठे हुए हैं ये जानवरों से नीचे चले गए हैं। एक जानवर भी उतना खाता है जितना उसकी भूख होती है, इनका तो पेट ही नहीं भरता।
इसलिए मेरे नौजवानों, हमने अपने मुल्क को बचाने के लिए और आजाद रखने के लिए निकलना है। एक दफा एक मुल्क के इदारे तबाह हो जाए, मुल्क तबाह हो जाता है। जब चोर ऊपर बैठ जाए वो सबसे पहले मुल्क के इदारे तबाह करते हैं। FIA आज हमारी आंखों के सामने तबाह हो रहा है। दो उनके ऑफिसर जिन्होंने बड़ी मेहनत से शहबाज शरीफ और उसके बेटों के ऊपर 24 अरब रुपए के करप्शन के केस, मनी लॉन्ड्रिंग, नौकरों के नाम पे, चपरासियों के नाम पे अरबों रुपया जो उन्होंने पकड़ा, एक एक हार्ट अटैक से मर चुका है डॉक्टर रिजवान, मर चुका है, और दूसरा उसको भी हार्ट अटैक हुआ जो दूसरा ऑफिसर था। आज वो अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है और मैं इंशाल्लाह इस पे बताऊंगा कि वो कौन सी जहर इस्तेमाल की जाती है जो खाने में डालते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो FIA तो तबाह हो गई, उसके ऊपर एक कातिल बिठा दिया, फैसलाबाद का कातिल जिसने 18 लोगों को कत्ल किया, राणा सनाउल्ला, वो बैठ गया ऊपर। अब यही FIA से वो होगा जो MQM ने कराची की पुलिस से किया था। 1996 में नसीरुल्ला बाबर ने MQM के खिलाफ ऑपरेशन किया, 1997 में गवर्नमेंट चली गई पीपल्स पार्टी की, नवाज शरीफ आ गया, इसने MQM से समझौता कर लिया। MQM ने चुन चुन के एक एक पुलिस वाले को कत्ल किया जो ऑपरेशन में शामिल था, और आज तक मेरे पाकिस्तानियों, आज तक कराची पुलिस अपने पैर पर नहीं खड़ी हुई, रेंजर बुलाने पड़े हैं, पुलिस खत्म होगी उसके बाद। इसी तरह इदारे खत्म होते हैं जब मुजरिमों को ऊपर बिठाते हैं, और इसलिए मेरे पाकिस्तानियों, हमने इनका मुकाबला करना है, अपने मुल्क को बचाना है इन चोरों से, अमरीकनों के गुलामों से, और आपने सबने मेरे साथ निकलना है। फिर से हाथ खड़ा करके बताओ हम निकलोगे। मेरे पाकिस्तानियों, एक चीज याद रख लेना, कौम के ऊपर अटैक हो जाए, बमबारी हो जाए, जापान के ऊपर एटम बम गिर गया, कौम फिर भी खड़ी हो जाती है, अपने पैर पर फिर भी खड़ी हो जाती है। अफगानिस्तान में कितनी 40 साल से इंतजार है, फिर भी वो कौम तकड़ी है। लेकिन एक चीज याद रखें, जब एक कौम की आप इखलाकियात खत्म करते हैं कौम मर जाती है। जब एक कौम अच्छे और बुरे की तमीज खत्म करती है कौम मर जाती है। कौम पहले अखलाकी तौर पर मरती है, फिर माशी तौर पर मरती है। तो जो ये लोग 60% कैबिनेट जमानत के ऊपर है, पाकिस्तान का ये जो क्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर नहीं, क्राइम मिनिस्टर है, इसके ऊपर ये जमानत पे भी है, और इसके ऊपर और बेटे जो चीफ मिनिस्टर है, इनके ऊपर सिर्फ FIA में 24 अरब के केसेस हैं, नैब में लेदा केसेस हैं। जो इसका भाई लंदन में बैठ के पाकिस्तान के फैसले कर रहा है वो सजायाफ्ता है, मफरूर है, डाकू है, चोर है, झूठा है। उसकी बेटी जो तकरीरें करती फिर रही है और इसके पीछे रेंजर और इतना प्रोटोकॉल मिल रहा है, वो सजायाफ्ता है, जमानत पे है। तो जिस मुल्क में इस तरह के लोगों को बड़े बड़े ओहदों पे बिठा दिया जाए, उस मुल्क की अखलाकियात तबाह हो जाती है। कौन मेहनत करेगा? क्यों नौजवान 14 साल पढ़ाई करे,
मैंने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करे, जब चोरी में और करप्शन में पैसा बन जाता है, इससे कौमें तबाह होती हैं। चाइना जब उठा और आज दुनिया में सबसे तेजी से तरक्की कर रहा है, 450 वजीरों को उसने करप्शन में पकड़ा पिछले 7 सालों में, 450 वजीरों को करप्शन में पकड़ा। कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक उसकी अखलाकियात ऊपर ना हो। इसलिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अमर बिल मारूफ, उन्होंने अपनी कौम को कहा कि तुम हक और सच के साथ खड़े हो, तुम अच्छाई के साथ खड़े हो और बुराई और बातिल के खिलाफ जंग लड़ो। ये हुक्म है अल्लाह का, ये कुरान में है अमर बिल मारूफ। इसके ऊपर एक माशरा खड़ा होता है, तो जब माशरे के बड़े बड़े होते उसके बड़े बड़े मुल्क के मुजरिम ले ले, वो माशरे का कोई मुस्तकबिल नहीं है। इसलिए सोबी आपने इस्लामाबाद पहुंचना है, आपने इस्लामाबाद पहुंचना है, ना आपने गर्मी देखनी है, ना आपने देखना है कि जनाब बारिश नहीं हुई। कोई फिक्र ना करें, हम दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, हमें कोई खौफ नहीं है। अल्लाह कुरान में कहता है जो लोग ईमान ले आए अल्लाह उनके खौफ दूर कर देता है, हमारे में कोई खौफ नहीं है। और हम इंशाल्लाह इन चोरों को, इन गुलामों को, इनको इंशाल्लाह कभी तस्लीम भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं, इलेक्शन की डेट दो, इलेक्शन करवाओ। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग फैसला करें कि इस मुल्क की क्यादत कौन करेगा। हम कोई इंपोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। तो आखिर में मेरे स्वाबी के बादशाह और दलेर नौजवानों, डीजल ने, अच्छा डीजल ने भी वो मिनिस्ट्री नहीं ली, हमने समझा जी बड़ा इस्लाम का ठेकेदार है, ये बड़ी अच्छी कोई वजीरत लेगा, कुछ लोगों को बताएगा इस्लाम के मुतालिक, कोई तालीम की वजारत लेगा। लेकिन उसने वजारत लिया सड़कों की, जिसमें पैसा बनता है, कमीशन बनती है। डीजल का भी वैसे मैं डीजल का भी देख रहा हूं कि ये जो सारे इकट्ठे हो गए, इमरान खान को हराने के लिए, इंशाल्लाह इन सारों का इकट्ठा जनाजा निकलेगा। स्वाबी मैं फिर से आपके जुनून और आपके शऊर का आपका शुक्रिया भी अदा करता हूं, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। मैं यहां अपनी टीम असद कैसर, आपको और शराम तरक्की और आप और आपकी फैमिली और मेरे बाकी सारे पुराने, जब मैं शुरू में स्वाबी आता था तो छोटे छोटे बच्चे थे, आज सफेद बाल हो गए उनके, मैं आप सबको आज खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने मेरे साथ इतनी ऊंच नीच में इतना मेरे साथ वक्त गुजारा। आप बुरे वक्त पर भी मेरे साथ खड़े हुए, एक और चीज़,
मैं ये जरूर कहूंगा कि मैं आज सारे पाकिस्तान के सामने ये कह रहा हूं कि वैसे पख्तूनख्वा को मैं खास खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूं सारे पाकिस्तान में ये कह रहा हूं कि सारे पख्तूनख्वा में सिर्फ एक लौटा हुआ एक बात है इसका मतलब कि या वफादारी भी ज्यादा है या ईमान भी ज्यादा है या माशाल्लाह आपकी अखलाकियात भी ज्यादा है। हालांकि कल फैसलाबाद में फैसलाबाद के लोगों को मैंने कहा, वैसे जिस तरह फैसलाबाद में कल लोग निकले हैं मैंने कभी अपनी जिंदगी में इस तरह की जोश और जज्बा फैसलाबाद में नहीं देखा, लेकिन मैंने एक किला किया फैसलाबाद से, मैंने एक किला किया, मैंने कहा फैसलाबाद सबसे ज्यादा लोटे फैसलाबाद से निकले थे और उन्होंने मेरे से वादा किया कि एक भी लोटा अगला इलेक्शन फैसलाबाद से नहीं जीतेगा इंशाल्लाह। अब सारे पाकिस्तान को पता है कि लोटे कौन थे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को नहीं अभी तक समझ आ रही लोटों की। इलेक्शन कमीशन सारी दुनिया के सामने वो लोटे हुए हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन नुक्ते ढूंढ रहा है किसी तरह उनको बचाने के लिए। अगर आपसे बच भी गए पाकिस्तान की आवाम से ये नहीं बचेंगे इंशाल्लाह। और आपको ये आखिर में महमूद खान, आपने उसने जो आपके लिए आज फैसला किया है कि यहां नाइट क्रिकेट के लिए रोशनी लगेगी स्टेडियम में, उसकी भी मुबारक देता हूं आपको। पाकिस्तान से